आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल पू फॉर एवर। सो आज है वेनसडे, डेट क्या है, 15th ऑफ सितंबर, और टाइम हुआ है 6:30। और अब आज हम लोग जा रहे हैं फूड टेस्टिंग के लिए। यस, तो आपको पता है कि शादी में कैटरर्स तो करना पड़ेगा ना, तो उसके पहले हम लोग जा रहे हैं फूड टेस्ट करने के लिए। हमने उनको पहले ही बोला था कि हमें बुलाना अगर कोई फंक्शंस कुछ होगा तो आज उन्होंने हमें बुलाया है। कुर्ला में है किधर, तो अभी निकल रहे हैं हम लोग। फंक्शन कुछ 7:30 का है, वर्से हो ही जाएगा 7:30। सो मैं और बहन अभी जा रहे हैं, और मेरे लोग नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि तुम लोग देख लो यार, आज के ज़माने का तुम लोग खाना सब रख लो जैसा चाहिए। तो मैं और पूर्वी यहाँ से जा रहे हैं, नवीन का भी मिलेगा हम लोग को, ब्रांड फैक्ट्री है ना वहाँ पर मिलने वाला है जो घाटकोपर में। सो वहाँ से वो हम लोग पिकअप करके हम लोग आगे जाएंगे फिर, बिकॉज यहाँ तक वो आएगा, ट्रैफिक रहेगा अभी बहुत। तो मैं और पूर्वी हो गए रेडी, ओला बुक किया है, ओला रिक्शा, तो चलिए चलते हैं नीचे। अमित तो क्यों नहीं आ रही है, ये देखो, गुड। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं कुर्ला ईस्ट कामगर नगर। क्या ये यही राइट है क्या? नहीं, 200 मीटर है ना। और हम लोग को जाना है बंटर भवन। हम लोग कब से घूम रहे हैं अभी, तो एज पर मैप 6 मिनट में पहुंचने वाले हैं। लेट्स सी, इसके लिए खड़ा ही था क्या, खाना बांट रहे इधर इधर ही खिलाएगा क्या? चलो इधर ही आ जाओ, इधर ही टेस्ट कर लो। तो अब हम पहुंचे हैं डेस्टिनेशन में, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बंट संग है, मतलब ये लेफ्ट राइट में है कि इधर भी एक है और एक इधर भी एक है। तो अभी हम लोग कॉल कर रहे हैं कैटरर्स वाले को, देखते हैं। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए थे बंट संगा मुंबई में। हम यहाँ पे करीब 7-8 o'clock तक पहुंच गए थे, और ये सामने आप देख रहे हो ना, वो है कैटरर्स का बंदा। नवीन को इनका पहचान उसके फ्रेंड के थ्रू होता, जिसका जिसकी फ्रेंड की शादी का मतलब कैटरर्स का अरेंजमेंट इन्होंने करवाया था, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इधर एक शादी है आज, तो आप लोग आ जाइए टेस्टिंग के लिए। सो हम पहुँच गए थे, हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे खाने के लिए, बिकॉज उतनी सारी वेराइटी थी ना, आप देख सकते हो। और ये है किसी की शादी हो रही थी, तो हम लोग ऐसे हॉल भी देखने गए थे कि कैसा होता है हॉल। मैं बहुत बचपन में यहाँ पे गई थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा इसका मेमोरी था, पूर्वी फर्स्ट टाइम गई थी। और ये है सब कुछ, उन्होंने एक एक थोड़े थोड़े बाउल में लाके दिए थे, नॉन वेज हैज वेल एज वेज। हम लोग को क्या लगा था पता है, कि हम लोग वो लोग बोलेंगे प्लेट्स ले लो, और जितना खाना है आप लोग खा लो, कितना आपको खाना है उतना। तो हम लोग वो खाली पेट गए थे, हम लोग इतना ज़्यादा भूख लगी थी, हम लोग छोटे छोटे बाटी में सोच रहे थे ना, इतना सही मतलब आपको चाहिए लो डालेंगे और एक्स्ट्रा, बट ऐसा नहीं था कि दे विल गिव यू अ प्लेट एंड यू कैन ईट कंटिन्यूसली जैसे शादी में जाते, वैसा नहीं था। तो ये सब प्रॉन्स, फिर मलाई टिक्का था, चिकन मलाई टिक्का, देन चीज कबाब बॉल्स, देन दे हैड पापड़ी चाट, दही पापड़ी चाट, एंड ऑल द डिशेस वर सो डिलिशियस गाइस। यहाँ पे नवीन खा रहा है आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने बोला कि मैं नहीं खाऊंगी, तुम लोग ही खा लेना। ये है रबड़ी और जलेबी, कॉइन जलेबी। द फूड वॉज डिलीशियस गाइस, और ये जो खाना था ना इनका, दिस वॉज स्पेसिफिकली मैंगलोरियन फूड, जो कि चिकन सुक्का, कोरी रोटी, और आप ये देख सकते हो ये ओनियन करी है, तो पहली बार देखा मैंने। ये मशरूम कुंडी, वेज लोग के लिए सब, ये पूरा वेज था, एंड देन अदर साइड वॉज द नॉन वेज। और ये देखे लाइव काउंटर था अप्पम के लिए, ये नुंगेल मीन द सार मतलब ड्राई फिश का करी, देन दे हैड गंजी, ये क्या है, गंजी चटनी, मरवई, मरवई मतलब शेलफिश उसका था, देन पायसा था, और चिकन मटन फिश फ्राई एवरीथिंग, एंड दिस वाज अ सैलड काउंटर। बहुत ज़्यादा वैरायटी रखा था इन्होंने गाइस, तो हम लोग तो कंफ्यूज हो गए थे कि क्या कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है। तो चलिए अब डिसाइड करते हैं क्या रखना है क्या नहीं रखना है। यार नूडल्स थोड़ा ज्यादा खाते हैं लोग, नूडल्स ज्यादा खाते हैं, हाँ बच्चे बच्चे लोग हैं ना, सब नूडल्स में जाते हैं। अपने से बच्चे लोग कौन है वो देखो, भी दिख नहीं रहा, थोड़े बहुत दिख रहे सब बच्चे लोग, चार पांच जन तेरे को दिख रहे बच्चे लोग, चलो वही हम लोग का घाटकोपर का कजन है जो अभी छोटे, अभी भी छोटे, तो बोलो कि बच्चे
चलो हम लोग उसमें घाटकोबर वाले लोग हैं, बच्चे मतलब, ऐसा नहीं बूढ़ा, बूढ़े लोग भी खाते हैं नहीं है मतलब, स्कूल में तो है, स्कूल में बच्चे नहीं तो और क्या रहते हैं लोग, स्कूल में किधर रह रहे हैं? अरे तो उमेश अंकल का बच्चे लोग सब, बाकी सब तो कॉलेज पहुंच, तो कॉलेज में बच्चे ही होते हैं ना, हां मतलब वो लोग को वही है नूडल्स से सब, नूडल्स से सब ज्यादा, तो फिर एक नूडल्स और एक राइस, नूडल्स और राइस दोनों एक ही से बनाते हैं, वही बनाता है, ट्रिपल राइस बोलते हैं, नहीं ट्रिपल चलो ट्रिपल क्यू मंचूरियन है ना, नूडल्स और राइस मिक्स होता है ना इसलिए, अरे किसी को अलग रहेगा हाँ। तो आपने मेरे को नूडल्स ही चाहिए, ले ये राइस निकाल के दो मेरे को, और बेचारा उधर भी झगड़ा करेगा क्या, नूडल्स अलग रहेंगे जिसको हम चाहिए हाँ। ट्रिपल राइस सब खुद मिक्स करेगा, बाउल रहेगा ना उधर ही, बाउल ले उसको बोलेगा और आइसक्रीम थोड़ा ऐसा, ये क्या बोलते हैं नूडल्स डालो मंचूरियन डालो, आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं अच्छा, मेरे को भी नहीं, वो रोज लग रहा था रोज मेरे को, रोज ही था, रोज ही था डायमंड बोला कि रोज आलमंड बोला, उसको बहुत ज्यादा रहेगा ना रे, राजभोग राजभोग उसको ज्यादा रहेगा, देख आइसक्रीम पे फोकस करने का कि जलेबी रबड़ी गुलाब जामुन, देख आइसक्रीम तो चाहिए ही ठीक है, तू रबड़ी रख, हम मेरे शादी में आइसक्रीम था ना हाँ, तो वही एक तो रखना ही है, या तो कुल्फी रखो, कुल्फी भी सब लोग अच्छा लगता है खाने के लिए, कुल्फी बेस्ट, कुल्फी या तो स्लाइस में रखो या तो वो जो आता है ना स्टिक में, स्टिक ही अच्छा है, स्टिक आता है ना स्टिक में रखना है, स्टिक में रखो, एक एक सबको दे सकते हो, फिर उसके नीचे प्लेट पकड़ के खा सकते हो आराम से, वो आता है ना पिस्ता फ्लेवर या जो भी है, स्वीट में कॉइन जलेबी रखना, अच्छा था ना जलेबी, अच्छा था, अरे देखो कैसा लगा, घी का था, मेरे को लग रहा था थोड़ा टेस्ट, एक वो रखते हैं ना फिर, वो नहीं चाहिए गन्ना वाला खीर नहीं चाहिए मेरे को, क्या है गन्ना कुछ भी मेरे को, इतना कुछ अच्छा नहीं लगा वो है ना, मतलब ठीक है मतलब इतना, हम लोगों को ड्राई फ्रूट क्यों डाला रे उसने, मैं दूसरे लोगों को बहुत ड्राई फ्रूट डाल के सजा के रखा था उधर, हाँ नहीं तो मैं देखी और ये दूसरे लोगों को ड्राई फ्रूट है रे, मैंने भी देखा, सोचा रहेगा ना इतना क्या इन लोगों को सब देने का, ये सब सिर्फ एक मिस हो गया यार, पानी पूरी मिस हो गया हम लोग, गन्ना तो नहीं लेते हाँ, पाइस ना पहले गन्ना सुन के ही, और पाइसा पाइसा पसंद है तेरे घर पे, लग रहा है पाइसा अपने को ना रिसेप्शन में नहीं रखना चाहिए, दिन में रख देना चाहिए, शादी उत्सव और रिसेप्शन में, रिसेप्शन में ऑलरेडी मूंग दाल है, ज्यादा स्वीट रखेगा तो कोई इतना खाता नहीं, जलेबी जलेबी भी रात को ही है ना, अपन ज्यादा स्वीट नहीं, अभी जलेबी और ये अपने क्या बोलते हैं रबड़ी, रबड़ी वो सब डेजर्ट ये मूंग दाल कैसे सब लोग खाना के टाइम में ही लेंगे, लेकिन एक बात बता मेरे को, से मूंग दाल भी रखा डेजर्ट में ये तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मूंग दाल का अपने सब पागल जैसा क्रेविंग नहीं है, मूंग दाल एक बात बता अच्छा रहेगा क्या, क्या लगता है तेरे को, बिकॉज मूंग दाल में बहुत ज्यादा घी घी लगता है ना, तो क्या लगता है तुम लोग को, मैं इसको बोली मैं इसको बोली जोमेटो से मंगा एक किलो खाना खुद ही, इतना क्या, तो वही बोला अपन दोनों ऑन द वे ले लेंगे और खाने जाएंगे अच्छा वाला, क्योंकि मूंग दाल कैसा है ना परफेक्ट होना चाहिए, सीरियसली आइडिया नहीं अच्छा नहीं बना, और देख मेरे को देख इसने जैसे पूछा ना मूंग दाल को, उसका एक्सप्रेशन देख उसका, मतलब फटाक से उसने ऐसा नहीं बोला, गाजर बोला सीजन में, गाजर गाजर करना है, गाजर भी मस्त लगता है वो सीजन में, और क्या है अलग ऐसा कुछ, वो सब रख सकते हैं, शाही टुकड़ा, शाही टुकड़ा आते हैं, अंगूरी अंगूरी वाला सब नहीं, नहीं अंगूरी वाला आता है ना छोटा छोटा, गुलाब जामुन नहीं येलो कलर के रसमलाई टाइप्स, वो इतना खासते रहते, और जलेबी अच्छा है, जलेबी और ये अच्छा क्रिस्पी रखा ना, और दो हो गया ना, जलेबी रबड़ी और गाजर वाला रखो, जलेबी रबड़ी तो एक दो पकड़ रही है, एक और एक गाजर वाला रखो, गाजर वाला गरम गरम रहता है मस्त लगता है ठंडी में, वो पब्लिक को मेन मेन ये जलेबी गरम गरम जलेबी और कुल्फी रहेगा ना, कुल्फी कुल्फी तो है ना आइसक्रीम, वो साथ में भी दिया तो वैसा ही बहुत पसंद, ओह माय गॉड वाओ, रबड़ी रबड़ी से ज्यादा मैंने देखा है रे, बहुत जन किस में गया है रबड़ी, मतलब तू बोल रहा रबड़ी नहीं चाहिए, रबड़ी नहीं रबड़ी रख, रबड़ी भी लेते हैं बहुत जन, उसके साथ क्या बोल रहे तू, गरम ये अपना जलेबी के साथ में ठंडा आइसक्रीम, वो कॉम्बिनेशन भी बहुत जन को पसंद है, दैट्स डिलीशियस, हां वो तो वो लोग खुद मिक्स करेंगे ना, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जलेबी के साथ और क्या मिठाई, जलेबी के साथ गाजर हलवा, अरे रुक ना वो भेजेगा ना, आज क्या क्या था, आज वो इतना ही था पैसा ही था और क्या, देखा ना हम लोग ने नहीं दो ही था, गन्ने का खीर और ये स्वीट में रखने का ना, ये सैलड में रखा है ज्यादा,
वैरायटी। सलाद खाली दिखाने के लिए होता, हर शादी में वो दिखाने के लिए। स्वीट तो कॉस्टली होएगा ना थोड़ा, इसके लिए ऑलरेडी उन लोगों का बाल गया रहेगा उधर, ऑलरेडी बाल गया रहेगा उधर। और स्वीट में क्या आता है? रसमलाई आता है, स्वीट पान आता है, और आता है और केक्स विक्स भी आते हैं, पेस्ट्री से सब भी आता है, लेकिन पेस्ट्री सब कैसा भी बनाते वो पता नहीं हम लोग को। पेस्ट्री अपन बोलेंगे, हाँ बेकर लोग नहीं है। हाँ क्या काजल या फिर अंगूरी गुलाब जामुन, दोनों के बीच में से लेट कर, वो भी अच्छा लगता है। तुम लोग बोलो। जामुन तो यू नो इट इज कॉमन, अंगूरी और छोटा छोटा नहीं वो गरम गरम। हाँ अगर जो कल लिस्ट भेजा था उसमें क्या क्या था स्वीट? उसमें वही अंगूरी था, अंगूरी लाल। और क्या था स्वीट में? कुछ नहीं आता। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं थाने। थाने में कौन सा चिल्लू? कैंटो। हाँ वहाँ पे चाइनीज खाने के लिए। तो 20 किलोमीटर है यहाँ से, आधा घंटा दिखा रहा है। और टाइम कितना हुआ अभी? टाइम कितना हुआ है? डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक स्पीड आल्सो। और टाइम क्या हुआ अभी? 9:30 हुआ है ना कुछ टाइम। So guys, we have reached Cantonese थाने। ये है इनका और ये है इनका मेन्यू। हम लोगों ने ऑर्डर किया है चिकन मंचूरियन और 1 garlic rice। So guys, अभी हम लोग होटल से निकल रहे हैं गाड़ी की तरफ। कैसा लगा? नींद आ रहा है। तेरे को? अच्छा था। हाँ मैंने वीडियो ऑन करना भूल गई, बिकॉज घाई घाई के चक्कर में और भूख लग रहा था तो वीडियो लेना भूल गई। पार्सल भी लाया हम लोग, तो बच गया थोड़ा बहुत। ऑफकोर्स थोड़ी की थोड़ी। हाँ गार्लिक राइस लिया है। टेस्ट अपना भूख बढ़ा दिया। कैसे? चलिए अभी पहुँचते हैं गाड़ी में। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर और अभी टाइम हुआ है 11:45 एंड बहुत कुछ डिस्कशंस कर रहे थे ऑन द वे। और हम लोग ने ना आज ऑर्डर किया है ये केक जो कि डिलीवर हुआ था 7 बजे को, वही ध्रुतीस कुकहाउस जो मैंने आपको बताया था पहले भी। तो ये है सेम कीटो कॉफ़ी वॉलनट केक। अभी हम लोग खाएंगे थोड़ा थोड़ा, दिखाती हूँ आप लोग को मैं। सो गाइस ये है केक, ये है इसमें एक लेटर और किटो वॉलनट। ये फ्रिज में था अभी, इसके लिए थोड़ा सा ये है क्या बोलते हैं फॉगी है। चलिए अभी इसे खाते हैं। ये हाफ के जी।